नमस्कार बच्चों, आज हम आपको मुहावरों के बारे में बताएंगे जो आपके कक्षा 3 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हर कक्षा में इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। बड़ी कक्षाओं में थोड़े कम नंबर का आता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है और हम इसे अगर पहले से सुनकर रखेंगे तो ये मान लीजिए कि हम अपने 3, 4, 5 नंबर जो है खुद की जेब में रख पाएंगे और ये साधारण जीवन में भी हमारे यहाँ होते रहते हैं। और इनके साथ याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इनको सुनें, विचार करें और समझें। देखिए, जो मेरा बोलने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको मुहावरा बताऊंगा, फिर थोड़ा गैप लूँगा और उसके बाद, ताकि आप गैप में अपने मुहावरे का अर्थ, आप क्या समझते हैं और उसका असली अर्थ क्या है, इससे आपको मुहावरे का अर्थ समझने में आसानी होगी। तो चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्खतापूर्ण आचरण करना, आंखों से गिर जाना, सम्मान खो देना, अंधेरे घर का उजाला होना, घर में एकमात्र पुत्र होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास ही अयोग्य व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाना, आंखों से गिर जाना, पहले हो चुका है, सम्मान खो देना, अंकुश रखना, नियंत्रण में रखना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना, आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का ज्ञान होना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर या उपद्रव करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आपे से बाहर होना, क्रोधित होना, आग में घी डालना, उत्तेजित करना, आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, अमर होना, सदैव प्रसिद्ध रहना, अंग अंग फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, अपने हाथ से कब्र खोदना, अपनी अवनति का स्वयं कारण बनना, यानी अपनी मुसीबत का स्वयं कारण बनना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहकर कार्य करना, आवाज उठाना, विरोध करना,
अंगारों पर चलना, समझते हुए भी खतरा लेना, अंगूठा दिखाना, निर्धारित समय पर इनकार करना, आंखें बदलना, घोषित पक्ष से हट जाना, यानी कि जो हमने वादा किया है उससे हट जाना, आंखें बिछाना, अति उत्साह से स्वागत करना, आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध आना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, ईश्वर का प्यारा होना, मृत्यु को प्राप्त होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला करना, इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी घटना होना, इस कान से सुनना, उस कान से निकालना, यानी ध्यान ना देने की स्थिति, इधर उधर की लगाना, चुगली करना, ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना, अंगुली पर नाचना या नचाना, इशारे पर कार्य कराना, उड़ती चिड़िया पहचानना, भीतर तक की बातें जानना, एक न चलने देना, किसी भी बात को न मानना, एडी चोटी का पसीना एक करना, यानी बहुत मेहनत करना, उल्टी गंगा बहाना, यानी विरुद्ध बातें करना, उंगली उठाना, दोष लगाना, एक लाठी से सबको हांकना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, ओखली में सर डालना, जानबूझकर संकट मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, मन में कष्ट होना, घुटने टेकना, हार स्वीकार करना, खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना, कलेजा फटना, बहुत दुख होना, कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना, कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, कलई खुलना, भेद मालूम होना, कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना, कान पर जू ना रेंगना, परवाह ना करना, काटो तो खून नहीं, गुमसुम हो जाना, कान में तेल डालना,
किसी की बात ना सुनना, कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना, कलेजे पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना, कलेजा मुंह को आना, बेचैन होना, कोलू का बेल होना, निरंतर मेहनत करना, कान काटना, चतुराई भरे कार्य करना, किस्मत ठोकना, भाग्य को दोष देना, कीचड़ उछालना, दोष लगाना, खाक छानना, सर्वत्र भटकना, खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, खटाई में पड़ना, उलझन में पड़ना, खून खोलना, अधिक क्रोध आना, गला काटना, बेईमानी करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, भली भूली हुई बातों का संदर्भ देना, याद दिलाना, गले का हार होना, अत्यधिक प्रिय होना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक भाव भर देना, गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुख में दुख देना, घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना, घाव हरा होना, भूले हुए दुख की याद आना, दांतों तले उंगलियां दबाना, आश्चर्य करना, डंके की चोट पर यानी चुनौती देकर, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, घर बैठे गंगा आना, बिना परिश्रम के कार्य हो जाना, चंपत हो जाना, उड़नछू होना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अधिक लज्जा का अनुभव होना, चौकड़ी भूल जाना, चतुराई काम ना आना, चांदी काटना, बहुत धन कमाना, चांदी का जूता यानी धन का बल, चिकना घड़ा होना, बेशर्म होना, चेन की वंशी बजाना, बड़े आनंद से रहना, छप्पर फाड़ कर देना, अनायास धन प्राप्त होना, जीभ चलाना, अधिक तथा व्यर्थ बोलना, जहर का घूंट पीना यानी अपमान का उत्तर ना देना, जान पर खेलना, जान की परवाह ना करना, टूट पड़ना यानी तीव्रता से आक्रमण करना, थस से मस ना होना, कुछ भी असर ना होना, टांग अड़ाना, काम में बाधा डालना, टेढ़ी खीर यानी
बहुत कठिन कार्य, ठोकर खाना, बेकार घूमना या एहसास होना, डींग मारना, शेखी मारना, ढिंडोरा पीटना यानी प्रचार करना, तारे गिनना, नींद ना आना, तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, तीन तेरा होना यानी बिखर जाना, दम तोड़ना, अंतिम सांस लेना, दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना, दांत काटी रोटी होना, घनिष्ठ संबंध होना, दांत पीसना, क्रोध प्रकट करना, दाल में काला होना, संदेहपूर्ण स्थिति होना, दिल टूटना, आघात पहुंचना, दूध का दूध, पानी का पानी, स्पष्ट निर्णय करना, फूंक फूंक कर पांव रखना, बहुत सावधानी से कार्य करना, 9-2-11 होना, भाग जाना, नमक मिर्च मिलाना, बात को बड़ा चढ़ाकर करना, 99 के फेर में पड़ना, धन जोड़ने की चिंता करते रहना, पानी पानी होना, बेइज्जत होना, लज्जित होना, पैर तले जमीन खिसकना, घबरा जाना, पीठ दिखाना, हार मानना, फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, बाल बांका ना होना, कोई भी नुकसान ना होना, बाल की खाल निकालना, व्यर्थ की नुक्ता छीनी करना, बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, बाल बाल बचना, हानि होते होते बचना, भूत सवार होना, काम के पीछे पड़ जाना, रोड़े अटकाना, बाधा डालना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, मुट्ठी में करना, वश में करना, काबू में करना, मुंह में पानी आना, लालायित होना, मूंछों पर ताव देना, अकड़ना, घमंड करना, मक्खन लगाना, चापलूसी करना, मुंह लटकाना, सुस्त होना, लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना, सफेद झूठ, निराधार झूठ, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना, लाल पीली आंखें करना, नाराज होना, पैरों पर नाक रगड़ना,
याचना करना, कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाला, दिन रात बढ़ना, गला भर आना, रुआंसा होना, सिर भुनाना, यानी सोचना। बच्चों, इतने सब अगर आप मुहावरे एक दिन में सुन लेते हैं और शाम को सोते वक्त तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और एक बार सुबह फिर सुन लेते हैं, तो ये मुहावरे आपके लिए आपके दिमाग में मुफ्त प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? मुफ्त ही मुफ्त हुआ ना, और वो भी आपके द्वार। और किन बच्चों के लिए? कक्षा 3 से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। आई बात समझ में? और बच्चों, इन मुहावरों को याद कर लेना, आपकी बातों में, आपकी वाक्पटुता में, आपके विचारों में अर्थ को समझने में आसानी होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।